These modules are arranged in hierarchically, मतलब कि ये जो modules हैं वो hierarchically arrange होते हैं. They communicate with each other. A good structure design always follow some rules for communication among multiple modules namely. ठीक है, अभी मैं पीछे से repeat कर रही हूँ दोबारा. हमने क्या पढ़ा है, मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ बताई कि डिज़ाइन वेरिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है. डिज़ाइन वेरिफिकेशन में हम फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसकी आउटपुट को सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं. मतलब एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम डिज़ाइन करते हैं डॉक्यूमेंट को, सूडो कोड्स को देखते हैं, डिटेल लॉजिक देखते हैं और उसके प्रोसेसिस डायग्राम एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन किस चीज़ की फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की देखते हैं. ठीक है, और ये सारी की चीज़ें जो आपकी होती हैं वो डिपेंड करती हैं आपकी जो भी आपने अबव आउटपुट मेंशन की है. और इसमें मैंने एक और चीज़ बताई थी आप लोगों को कि इसमें ये है कि मेरी जो आउटपुट आई है वो आपकी एज अ इनपुट काम करेगी. ठीक है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन स्ट्रेटजीज के बारे में बताया. सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ. ये एक ऐसा कंसेप्चुलाइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें हम एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन परफॉर्म करते हैं. सारे हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं. और फिर मैंने ये चीज़ बताई कि मल्टीपल वेरियंट्स हैं आपके डिज़ाइन प्रोसेस के. डिज़ाइन प्रोसेस भी एक्चुअली वही चीज़ है कि कंसेप्चुलाइजेशन इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है और नंबर ऑफ ऑप्टिमम सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करता है. ठीक है, जो बेस्ट सोल्यूशन होता है वो हम इसके ऊपर डाल देते हैं. डिज़ाइन स्ट्रक्चर डिज़ाइन बताया. स्ट्रक्चर डिज़ाइन एक कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर है जिसमें हम जो एक बड़ी प्रॉब्लम है उसको हम सेवरल वेल ऑर्गेनाइज्ड एलिमेंट सॉल्यूशन के अंदर तोड़ देते हैं. इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद द सॉल्यूशन. ठीक है, और इसमें ये मैंने आपको बताया कि डिज़ाइन स्ट्रक्चर जो है वो डिवाइड एंड कंक्वेयर मेथड को यूज़ करता है और हमने ये पिछले लेक्चर में भी देखा था. डिवाइड एंड कंक्वेयर जो है वो क्या चीज़ होती है, एक प्रॉब्लम को ब्रोक डाउन करते हैं सेवरल स्मॉल प्रॉब्लम्स के अंदर और हर जो आपकी प्रॉब्लम होती है इंडिविजुअली सॉल्व करती है जब तक वो एक्चुअली आपकी आपको एक्चुअली रिजल्ट ना प्रोवाइड कर दे, आपके एक्चुअली प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको अचीव ना हो जाए. ठीक है, ये स्मॉल पीसेज ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि सॉल्व करती हैं आपके मॉड्यूल्स को. स्ट्रक्चर डिज़ाइन एम्फेसिस दैट दीज मॉड्यूल्स बीइंग वेल ऑर्गेनाइज इन ऑर्डर टू अचीव अ प्रिसाइज सोल्यूशन. और प्रिसाइज का मतलब यही होता है कि उसका ओवरऑल सोल्यूशन जो है वो आपको फाइंड आउट हो जाए. सो इसको ये कहा है दीज मॉड्यूल्स आर अरेंज इन हायरार्किकली. ये सारे के सारे मॉड्यूल जो है वो हायरार्किकल फॉर्म में एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं. सो इसमें जो कम्युनिकेशन होगी वो मल्टीपल मॉड्यूल जो हैं उनके आपस में जो कम्युनिकेशन होती है एक ही रूल को फॉलो कर रहे हैं. सो ये गुड स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है. और गुड स्ट्रक्चर डिज़ाइन भी इस चीज़ को ही हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन होनी चाहिए अमंग मल्टीपल मॉड्यूल्स के दरमियान में. सो अगर हम ये मल्टीपल मॉड्यूल्स के अगर हमें कम्युनिकेशन नहीं होगी तो हमें क्या पता चलेगा कि हम सॉफ्टवेयर क्या तैयार कर रहे हैं और पिछले मॉड्यूल में हमने क्या काम किया है और अगले मॉड्यूल में हमने क्या काम परफॉर्म करना है. सो सॉफ्टवेयर बनाते वक्त ये सारी चीज़ें हमें फोकस करनी चाहिए. कोहियन के बारे में था हम पिछले पढ़ा, हमने कपलिंग के बारे में था पढ़ा. कोहियन क्या होती है, ग्रुपिंग ऑफ ऑल फंक्शनैलिटी फंक्शनली रिलेटेड एलिमेंट. ठीक है, कोहियन यही चीज़ ही थी कि उसमें जो आपके एलिमेंट्स हैं वो फंक्शनली ग्रुप होते हैं एक दूसरे के साथ. और कपलिंग क्या होती है, कपलिंग देखिए कपलिंग में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके जो मॉड्यूल्स हैं उसमें. कपलिंग का मतलब ये होता है कि कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट मॉड्यूल्स. समटाइम ये ज़रूरी नहीं होती कपलिंग, लेकिन कोहेजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें सारी की सारी आपकी फंक्शनैलिटी की ग्रुपिंग होती है किससे रिलेटेड, आपके एलिमेंट से रिलेटेड. अ गुड स्ट्रक्चर डिज़ाइन हैज़ हाई कोहेजन. अभी यही बात है, उसने ग्रुपिंग जो है फंक्शनली एलिमेंट की ज़्यादा करनी है एंड लो कपलिंग अरेंजमेंट. और कपलिंग अरेंजमेंट जो है वो लो होनी चाहिए. कम्युनिकेशन जितनी कम होगी, मतलब इतना तो कम्युनिकेशन में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, कपलिंग बनाने में ही टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आपने कोहेजन कैसे परफॉर्म करनी है. सो गुड स्ट्रक्चर डिज़ाइन का मतलब यही होता है कि आपकी जो फंक्शनली एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है उनकी ग्रुपिंग ज़्यादा हो, अच्छी हो, बेहतर हो. और जो आपकी कपलिंग है, मतलब कि फजूल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी, फजूल टाइम या टाइम वेस्ट नहीं करना, तो उसको हम कहते हैं कि लो होनी चाहिए. फंक्शनल ओरिएंटेड डिज़ाइन. फंक्शनल ओरिएंटेड डिज़ाइन क्या चीज़ होती है, इन फंक्शनल ओरिएंटेड डिज़ाइन द सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ मैनी स्मॉलर सब सिस्टम नाउन एज फंक्शंस. सो आपकी फंक्शन ओरिएंटेड का मतलब यही होता है कि फंक्शंस को ओरिएंट करना. ठीक है, तो इसमें फंक्शंस को ही हम सब सिस्टम में तोड़ेंगे ना,
तो इसमें क्या करना है, दी कंप्राइज करता है मैनी स्मॉलर सब सिस्टम, जो भी कंप्राइज कर दिया है एक बड़ी चीज़ को छोटे छोटे स्मॉलर सब सिस्टम के अंदर, उसको हम कहते हैं फंक्शंस। दीज फंक्शंस आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सिग्निफिकेंट टास्क इन द सिस्टम, और जो हर फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहा है अपना एक सिग्निफिकेंट टास्क, मतलब अपना एक असाइन टास्क। देखिए जैसे PDF फाइल है तो ये PDF की फाइल को ही ओपन करेगा और वर्ड की फाइल को ओपन नहीं करेगा, ठीक है, ये इसका एक स्पेसिफिक टास्क है और ये अपना ही एक फंक्शन परफॉर्म करता है। दी सिस्टम इज कंसीडर एज टॉप व्यू ऑफ ऑल फंक्शन, ठीक है, और ये सिस्टम के हर टॉप व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेन फंक्शन ही काम नहीं करेगा तो बाकी सिस्टम क्या आप करेंगे, आपको PDF ही यूज़ करना नहीं आ रहा, आपको वर्ड ही यूज़ करना आ रहा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो सिस्टम जो है वो दूसरे के साथ रिलेट करके आप उसको यूज़ कर सकेंगे, ठीक है, पहले आपको उसके फंक्शन को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। सो इसलिए कहा गया है कि सिस्टम जो है वो टॉप व्यू कंसीडर होता है हर एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन इनहेरिट सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चर डिज़ाइन वेयर डिवाइड एंड कॉन्कर मेथोडोलॉजी इज़ यूज्ड, यस, और ये भी आपको बताया है कि क्योंकि डिज़ाइन है ना, डिज़ाइन की बात करें तो डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड टेक्नोलॉजीज में यूज़ होती है। द डिज़ाइन मैकानिज़म डिवाइड द होल सिस्टम इंटू स्मॉलर फंक्शन, येस, डिवाइड एंड कन्क्योर का मैथड यही है कि हमने होल सिस्टम को छोटे छोटे फंक्शन के अंदर तोड़ लेना है और उस फिर उसकी जो मेन अब्स्ट्रैक्शन है उसको निकालेंगे, कंसील करना, उसमें निकाल लेना द इंफॉर्मेशन एंड देयर ऑपरेशन, उसके एब्स्ट्रैक्ट करना, मतलब उसमें से निकाल लेना अपनी मतलब की चीज़ को। दीज फंक्शन मॉड्यूल्स कैन शेयर इन्फॉर्मेशन अमंग देमसेल्व, वो जो फंक्शनल मॉड्यूल्स की इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे के दरमियान में शेयर हो रही होती है बाई मीन ऑफ इन्फॉर्मेशन पासिंग एंड यूजिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ग्लोबली, जो भी इन्फॉर्मेशन आप पासिंग कर रहे हैं वो एज अ ग्लोबली इसके अंदर अवेलेबल होगी। और ग्लोबल भी ऐसे ही होता है, फंक्शन है एक बना दिया उसको आप कहीं भी पे यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी कॉल कर सकते हैं। फंक्शंस का फ़ायदा ही यही है कि फंक्शंस बनाने का फ़ायदा होता है कि कॉल किया जा सकता है ईजिली, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसका नेम यूज़ करते हुए। Another characteristic of function is that when a program calls a function, जब हमें ज़रूरत हो सिर्फ और सिर्फ उसके function को call करें और उसकी जो भी program की state है वो आप change कर सकते हैं, ठीक है, which sometimes is not acceptable by other modules। लेकिन देखिए भाई, जो function है वो अपने relevant ही call किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि वो function जो है वो आप दूसरे module के अंदर call करें, sometimes हो भी जाता है, sometimes use नहीं होता। फंक्शंस ओरिएंटेड डिज़ाइन वर्क वेल वेयर द सिस्टम स्टेट डज नॉट मैटर, इसमें मैटर नहीं करता, एंड प्रोग्राम फंक्शंस वर्क ऑन इनपुट रेदर देन ऑन द स्टेट, ठीक है, इसमें क्या होता है कि वो प्रोग्राम जो है वर्क ऑन इनपुट करेगा, एज अ इनपुट काम करेगा या फिर स्टेट, इसमें मैटर नहीं करता। इसके बाद आते हैं आपके डिज़ाइन प्रोसेस। डिज़ाइन प्रोसेस की बात करते हैं, द होल सिस्टम इज सीन एज हाउ डाटा फ्लोज इन द सिस्टम बाय मीन ऑफ डाटा फ्लो डायग्राम, ठीक है, डिज़ाइन प्रोसेस है, इसमें क्या करना है, होल सिस्टम इज सीन एज हाउ डाटा, कैसे उसने डाटा जो है वो किस पर्पज़ के लिए, जो आपकी डायग्राम फ्लो है उसको हम यूज़ करें, उसका क्या पर्पज़ है आपके पूरे के पूरे सिस्टम का। DFD डायग्राम्स होती हैं, DFD डेपिक्स, मतलब DFD जो है वो आपके फ्लो ऑफ डाटा के प्रोसीजर जो डिज़ाइन होता है उसको डिफाइन करती हैं, हाउ फंक्शन चेंज द डाटा एंड स्टेट ऑफ एंटायर सिस्टम। सो DFD डायग्राम्स होती हैं, उसको बनाते होते हैं कि देखिए वो चेंजेबल हो सकता है, ठीक है, आपने एक वेबसाइट बनानी है फैशन की, तो आप उसका डाटा फ्लो बना देते हैं, आप कहेंगे कि पहले मैं इसका ये पेज बनाऊँगा, स्टार्ट एडमिन पेज बनाऊँगा, एडमिन पेज के अंदर मैं लॉग इन करूँगा, रजिस्टर्स करूँगा, तो ये आपने डाटा फ्लो डायग्राम के ज़रिए डिज़ाइन कर लेना, तो उससे क्या होता है आपका काम जो है वो आसानी से सॉल्व आउट हो जाता है। तो हमारा काम होता है सॉफ्टवेयर तैयार करना, सो बेहतर है अपना पहले कॉपीराइट वर्क कर ले बंदा, तो फिर वो आसानी के साथ उसको बना सकता है। मैं तो यही कहती हूँ कि पहले इंसान को कॉपी वर्क करना चाहिए, डायरेक्टली अपना सॉफ्टवेयर बनाने बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे ये प्रॉब्लम होती है कि आपको समझ ही नहीं आ रही होती है आपने नेक्स्ट क्या करना है। सो अपना वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जब हम तैयार कर लेते हैं तो हमारा काम जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब ये नहीं कि 100%, बस इतना कह सकते हैं कि 80+ जो है वो हमारा काम सॉल्व आउट हो जाता है। 100% तो वो तब होगा ना जब आप अपना एक्चुअल सॉफ्टवेयर कम्प्लीट करेंगे। The entire system is logically broken down into smaller units known as functions on the basis of their operations in the system. ठीक है, जो भी लॉजिकली हम यूनिट्स में तोड़ा है तो वो जो डिफरेंट फंक्शन है वो ऑपरेट हो रहे होंगे। ईच फंक्शन इज देन डिस्क्राइब्ड एट लार्ज, ठीक है, इसमें जो हर फंक्शन है वो अपना ही काम उसमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है।
वो था फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन, ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। फंक्शन में तो समझ आ गया, कॉल फंक्शन किया, काम कर लिया। अब इसमें देखते हैं, इसमें दो चीज़ें ही होनी है, या फिर ऑब्जेक्ट्स होनी है या फिर क्लासेस होनी है। आप लोगों ने प्रूफ पढ़ी है तो उसमें भी ऑब्जेक्ट बेस का क्या काम होता है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं या क्लासेस होती हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन वर्क्स अराउंड द एंटिटीज एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स इंस्टेड ऑफ फंक्शंस इन्वॉल्व इन द सॉफ्टवेयर सिस्टम, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमने कोई भी फंक्शंस की नहीं, मतलब करेक्टरिस्टिक्स जो है लाइक एंटिटीज वगैरह को नहीं एक्चुअली यूज़ करना, एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स इंस्टेड ऑफ फंक्शन, हमने यहाँ पे कोई भी फंक्शन यूज नहीं करना, इसमें कोई भी फंक्शन इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें आपकी एंटिटीज होती हैं, इसमें आपकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। हमने चीज़ें देखी थी कि एक ऑब्जेक्ट है, लाइक एक मैंने कहा कि मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, ये एक एंटिटी है, ठीक है, ये एंटिटी है, बस ये एक एंटिटी है। इसका क्या काम है, वो इसकी करेक्टरिस्टिक्स के अंदर आएगा। करेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाएगा जी, इसके कलर आ जाएगा, इसका साइज आ जाएगा, इसका साइज आ जाएगा, ETC, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, जो भी आपको फिजिकली व्यू नज़र आ रहा है। और अगर मैं इसके फंक्शंस की बात करती हूँ तो फंक्शंस तो यही है ना, इसको ऑन किया जा सकता है, इसके ऊपर कॉल सुनी जा सकती हैं, इसके ऊपर एप्लीकेशन जो एंड्रॉयड की एप्स हैं वो चलाई जा सकती हैं, इसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म किया जा सकता है, मतलब जो भी आपके मोबाइल फ़ोन की फंक्शंस हैं वो सारी की सारी आपकी फंक्शनैलिटी के अंदर आते हैं। दिस डिज़ाइन स्ट्रेटजी फोकसेज ऑन एंटिटीज एंड इट्स करेक्टरिस्टिक, जो भी डिज़ाइन है वो फोकस होता है टोटल इसकी करेक्टरिस्टिक्स और एंटिटीज के ऊपर। दी होल कॉन्सेप्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, जो भी आपका होल कॉन्सेप्ट है सॉफ्टवेयर सोल्यूशन का, वो रिवॉल्व होता है अराउंड द इंगेज एंटिटीज। बेटा वही चीज़ है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है टोटल उसका सोल्यूशन है वो रिजोल्व करता है आपकी जो एंटिटी है, ठीक है। यहाँ पर एंटिटी मैंने एक एग्जाम्पल दी है आपके मोबाइल फ़ोन को, ठीक है, और उसकी करेक्टरिस्टिक्स भी बताई हैं और उसके मैंने फंक्शंस भी बताए हैं। सो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, वो देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स है, क्लासेस है, हाँ जी, ऑब्जेक्ट्स आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि ऑब्जेक्ट्स क्या चीज़ होते हैं। ऑल एंटिटीज इन्वॉल्व इन सोल्यूशन डिज़ाइन एज नाउन एज ऑब्जेक्ट्स, जो भी एंटिटीज हैं आपके सोल्यूशन डिज़ाइन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, जिसको भी आपने टारगेट करना है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है, पर्सन हो गया, बैंक हो गया, कंपनी हो गया, एंड कस्टमर हो गया आर ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स। इसके अलावा और बहुत सारे हो सकते हैं जिसे भी आपने फोकस करना है। बेटा मैंने कहा एक फ़ैन, ठीक है, फ़ैन की भी आप करेक्टरिस्टिक्स बता सकती हैं, फ़ैन के कलर क्या है, फ़ैन के मतलब कितने उसके हम कहते हैं कितने पार्ट्स हैं, ये सारी की चीज़ें कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। एवरी एंटिटी है सम एट्रीब्यूट्स, हर जो एंटिटी है लाइक यहाँ पे एक पर्सन है, उसकी अपनी एंटिटी, जो पर्सन सॉरी इज़ अ एंटिटी, उसके अपने एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, जो एसोसिएटेड हो रहे हैं उसके सम मैथड्स के साथ टू परफॉर्म ऑन द एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एट्रीब्यूट्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, और मेथड्स का दूसरा नाम है फंक्शंस। हाँ जी, मैं ये बात कर रही थी ऑब्जेक्ट एक एंटिटी है, जैसे कि ये पर्सन इज अ एंटिटी, ठीक है, यहाँ पे पर्सन एक एंटिटी है, उसके बाद पर्सन के एट्रीब्यूट्स भी होंगे, पर्सन के एट्रीब्यूट्स भी होंगे, ठीक है, पर्सन के क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स भी होंगे और पर्सन के मेथड्स भी होंगे। मेथड्स का दूसरा नाम है आपके फंक्शंस, या फिर एट्रीब्यूट्स का दूसरा नाम है आपकी करेक्टरिस्टिक्स, मेथड का दूसरा नाम है आपके फंक्शंस। हाँ जी, क्लासेस की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, उसमें क्लासेस का कॉन्सेप्ट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्लास इज जनरलाइज्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आपकी जो क्लास है वो जनरलाइज्ड डिस्क्रिप्शन होती है किसकी, एक ऑब्जेक्ट की, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ये चीज़ थी, और ऑब्जेक्ट के अंदर एक एंटिटी क्या होती है, पर्सन हो गया, बैंक हो गया, कंपनी हो गया, कस्टमर्स हो गया, ETC, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो ये एंटिटीज़ हैं, और इस एंटिटीज़ की कोई भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, कोई भी मेथड्स हो सकते हैं। अ क्लास इज जनरली डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यस, क्लास बेटा इसी की ही डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है। मैंने क्लासेस क्यों बनानी, मुझे क्या ज़रूरत पड़ गया है कि मैं सोची जा रही हूँ, कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई टारगेट होगा तो मैं उसकी क्लास बनाऊंगी। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कोई भी इंस्टेंस हो सकता है आपकी क्लास का, ठीक है। क्लास डिफाइंस ऑल द एट्रीब्यूट्स, आपकी जो क्लास होती है एक्चुअली वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर रही होती है। विच एन ऑब्जेक्ट कैन हैव
एंड मेथड्स, और उसके मैंने ये भी बताया है कि उसके कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके कोई ना कोई मेथड्स होते हैं जिसे हम फंक्शंस भी कहते हैं, विच डिफाइंस द फंक्शनैलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये आपकी किस चीज़ को डिफाइन करती है, आपकी ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी को डिफाइन करती है। ओके, इसके बाद ये चीज़ आती है इन द सॉल्यूशन डिज़ाइन। सॉल्यूशन डिज़ाइन के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, एट्रीब्यूट्स आर स्टोर्ड एज अ वेरिएबल एंड फंक्शनैलिटीज आर डिफाइंड बाय द मीन ऑफ मेथड्स और प्रोसीजर्स। इसमें फर्स्ट जो स्टेप्स आता है वो आपका इनकैप्सुलेशन आता है, दूसरा आपका इनहेरिटेंस आता है, जो लास्ट वन है वो आता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। ये सारे व्यूज सारे कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। एक देखिए भाई, इस डिज़ाइन के अंदर ये वो बता रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, दी एट्रीब्यूट्स डाटा वेरिएबल्स एंड मेथड्स ऑपरेशंस ऑन द डाटा आर बंडल टुगेदर इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। बेटे इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब होता है कि छुपा देना, ठीक है, कैप्सूल देखा होगा आप लोगों ने, उसके अंदर मेडिसिन जो है वो छुपी होती है, दिस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन नॉट ओनली बंडल्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टुगेदर बट आल्सो रिस्ट्रिक्ट एक्सेस ऑफ द डाटा एंड मेथड्स फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। सो ये रिस्ट्रिक्ट भी कर देता है, ऐसा ही होता है कि वो मेडिसिन ओपन करके नहीं खाते हम, ठीक है, उसके अंदर बाउंड कर दिया गया कि ऐसे ही खाओ। सो दिस इज़ आल्सो कॉल्ड इन्फॉर्मेशन हाइडिंग, और हमने उसको खोल के नहीं देखना, हम रिस्ट्रिक्टेड हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। इनहेरिटेंस है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन का जो दूसरा स्टेप है, दूसरा पार्ट है, इसमें क्या चीज़ होती है, सिमिलर क्लासेस टू स्टेक अप इन हायरार्किकल मैनर वेयर द लोअर और सब क्लासेस आर कैन इम्पोर्ट इम्प्लीमेंट एंड री यूज अलाउड वेरिएबल्स एंड मैथड्स फ्रॉम देयर इमीडिएट सुपर क्लासेस। हाँ जी, इनहेरिटेंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, एक पेरेंट होता है, बाकी सारे उसके चाइल्ड होते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस में क्या होता है, हम चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड के रिलेशन के जरिए काम कर रहे होते हैं, बाकी सारी की सारी सब क्लासेस किसके साथ अटैच होती हैं, आपकी सुपर क्लास के साथ अटैच होती हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ओड इज नाउन एज इनहेरिटेंस, ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन की, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। दिस मेक इट ईजियर टू डिफाइन स्पेसिफिक क्लास एंड टू क्रिएट जनरलाइज क्लास फ्रॉम अ स्पेसिफिक वंस। और यही चीज़ होती है कि हमने अपनी मेन क्लास से बाकी क्लासेस को फाइंड आउट करना होता है। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म चीज़ क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन लैंग्वेजेस के अंदर प्रोवाइड करती है एक मैकेनिज्म वेयर द मेथड परफॉर्मिंग सिमिलर टास्क, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म में हम टास्क एक्चुअली हमारे पास सेम होता है, ठीक है, सिमिलर टास्क होता है, मेथड जो है वो उसके ऊपर डिफरेंट परफॉर्म होते हैं, बट वेरी इन आर्गूमेंट्स कैन बी असाइंड सेम नेम। ये चीज़ याद रखिएगा, जितने भी आर्गूमेंट्स हमने सोल्व आउट करने हैं, जहाँ भी यूज़ करेंगे हम पॉलीमॉर्फिज्म में सेम आर्गूमेंट सेम पैरामीटर जो है वो यूज़ करते हैं, और आप लोगों ने इसको C++ में भी देखा होगा, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म विच अलाउ अ सिंगल इंटरफेस परफॉर्मिंग टास्क ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो सेम नेम आपने यूज़ किया है, लाइक मैंने अगर हेलो यूज़ किया है इसका, तो आपने उसके जितने भी आर्गूमेंट्स पैरामीटर दोबारा यूज़ करने हैं उसी चीज़ के अंदर, उसी फाइल के अंदर, तो वो सेम आर्गूमेंट्स ही यूज़ होने चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन हाउ द फंक्शन इज इन्वॉल्व्ड, देखेगा कि फंक्शंस कितने कितने की फंक्शंस के ऊपर डिपेंड हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, जो भी आर्गूमेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप टास्क जो है परफॉर्म कर रहे हैं। रिस्पेक्टिव पोर्शन ऑफ द कोड गेट्स एग्जीक्यूटेड, जो भी आपका इस चीज़ का पोर्शन होगा वो कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये थी आपकी पॉलीमॉर्फिज्म। डिज़ाइन प्रोसेसेस होते हैं, डिज़ाइन प्रोसेसेस क्या चीज़ होती है, डिज़ाइन प्रोसेसेस वही चीज़ है जो हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं। डिज़ाइन प्रोसेसेस में प्रोसीड करते हैं एज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, ठीक है। डिज़ाइन प्रोसेस की बात है तो यहाँ पे एक सीरीज को फॉलो किया जाएगा, यहाँ पे एक उसके वेल डिफाइंड स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा, उसके स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाएगा। इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन अप्रोच, फंक्शंस ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सो ये दोनों तरह से ही हो सकती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी हो सकती है और फंक्शन ओरिएंटेड भी हो सकती है। सो प्रोसेस है, आपने आपकी मर्जी, आप डिज़ाइन का प्रोसेस कौन सा फॉलो करते हैं, फंक्शंस की फॉर्म में काम कर रहे हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में काम कर रहे हैं। सो इसके अंदर ये कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो ये स्टेप हम पढ़ने लगे हैं। अ सॉल्यूशन डिज़ाइन इज क्रिएटेड फ्रॉम रिक्वायरमेंट और प्रीवियस यूज सिस्टम एंड और सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम, ठीक है। हमने अपने सीक्वेंस डायग्राम को कैसे देखा था, सीक्वेंस डायग्राम जो है वो प्रीवियस पार्ट के साथ रिलेट कर रहा होता है। ऑब्जेक्ट्स में हमने देखा कि आइडेंटिफाई करता है ग्रुप्स,
ग्रुप्ड इन द इनटू द क्लास. हाँ जी, ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसके अंदर क्लासेस भी ग्रुपिंग की फॉर्म में होंगी. ऑन द बिहाफ ऑफ सिमिलरिटी इन एट्रीब्यूट्स एंड करेक्टरिस्टिक्स, उसकी एट्रीब्यूट्स भी होंगे, उसकी करेक्टरिस्टिक्स भी होंगी. क्लास हायरार्किकली जो है एंड रिलेशन अमंग देम आर डिफाइंड. क्लास की हायरार्किकल जो हायरार्की बनानी है उनके रिलेशंस भी जो है वो हमने डिफाइन करने होते हैं अपने डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर. एप्लीकेशन फ्रेमवर्क इज़ डिफाइंड. यस, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क आप मतलब उसका सिनेरियो, उसकी स्ट्रेटेजी क्या यूज़ कर रहे हैं, आप फंक्शन ओरिएंटेड यूज़ करें या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ करें या कोई अदर एप्लीकेशन फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है. सॉफ्टवेयर डिज़ाइन अप्रोचेस, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन अप्रोचेज में टू अप्रोचेज आती हैं. देयर आर टू जेनेरिक अप्रोचेज फॉर सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग. एक होती है आपकी टॉप डाउन डिज़ाइन, ठीक है, और एक होती है बॉटम अप डिज़ाइन. टॉप डाउन डिज़ाइन क्या चीज़ होती है, इसमें हमने ये देखना होता है, कंपोज करना होता है मोर देन वन सब सिस्टम एंड इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. ठीक है, उसमें जो सब सिस्टम है और उसको जो कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं उसमें हमें देखना है. टॉप डाउन का क्या मतलब होता है, टॉप से डाउन तक डिज़ाइन को जो है वो रिव्यू करना. इसमें देखिए सब सिस्टम जो भी कंपोनेंट्स के फॉर्म में हमने तोड़े हुए हैं, इज देयर वन सेट ऑफ द सब सिस्टम एंड कंपोनेंट्स एंड क्रिएट्स हायरार्किकल स्ट्रक्चर इन द सिस्टम. यस, टॉप डाउन है तो हायरार्किकल फॉर्म में ही आएगा ना, इसकी बैकवर्ड जाने का रास्ता नहीं है, टॉप टू डाउन ही आएगा. ऐसा नहीं होगा कि डाउन टू टॉप चला जाएगा. ठीक है, जो भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो टॉप टू डाउन आएगा, मतलब कि वन बाई वन हम इसको सॉल्व आउट करेंगे. टॉप डाउन डिज़ाइन टेक्स द होल सॉफ्टवेयर सिस्टम एज वन एंटिटी. जो भी एक एंटिटी है, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर एंटिटी होती है ना, पर्सन इज एंटिटी, बैंक इज एन एंटिटी, मोबाइल फोन इज एन एंटिटी, कोई भी एंटिटी हो सकती है, योर सॉफ्टवेयर हो सकता है जो भी आप बना रहे हैं. एंड देन डीकम्पोजेज इट टू अचीव मोर देन वन सब सिस्टम और कंपोनेंट बेस्ड ऑन द सम करेक्टरिस्टिक्स. मतलब टॉप डाउन में क्या होता है, हमने होल सिस्टम को सर्च करना होता है, वन एंटिटी को हमने डीकम्पोज करना होता है, किसके अंदर, मोर देन सब सिस्टम के अंदर और कंपोनेंट्स के अंदर, जो कि अपनी अंदर खसूसियात रखती हैं, मतलब करेक्टरिस्टिक. अगर एंटिटी की बात करेंगे तो उसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स भी आएंगी, ठीक है, उसके अंदर आपके करेक्टरिस्टिक का दूसरा नाम एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, अगर करेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स भी आएंगे उसके अंदर मेथड्स और फंक्शंस भी आएंगे. टॉप डाउन में हमने डीकम्पोज किया, उसको हायरार्किकली अचीव कर लिया, दिस प्रोसेस इज अंटिल लोएस्ट लेवल हो जाता है ना, जब ऊपर से टॉप से डाउन आता है. तो टॉप डाउन डिज़ाइन स्टार्ट होता है कहाँ से, आपके जो मॉडल है, आपके सिस्टम के जो एजेस है, मेन सुपर क्लास है, वहाँ से होगा और होल सिस्टम को रिव्यू करेगा, उसके हर कंपोनेंट्स को जो भी हमने कंपोज किए हुए हैं, अगर वो एग्जिस्ट कर रहे होंगे. तो टॉप डाउन डिज़ाइन इज़ मोर सूटेबल बिकॉज हमें पता होता है कि हमने टॉप से चेक करना है, ठीक है, और इसमें हमें सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन की नीड्स जो है वो कैसे डिज़ाइन होती है, सर्च कर जो हमारा स्क्रैच होता है, स्पेसिफिक डिटेल्स आर नाउन अननोन, मतलब कि हमें ना सर्च करना बड़ा आसान है. ये टॉप डाउन डिज़ाइन का मतलब ये है कि एक सॉल्यूशन हमें जो है ज़रूरत है, और किस चीज़ की, कोई भी टास्क जो है वो अननोन है, आप कुछ भी नहीं पता, हम बस स्टेप बाय स्टेप उसको चेक कर रहे होते हैं. सो ये सूटेबल है हमारे लिए क्योंकि हमें टॉप डाउन मूव होना होता है. बॉटम अप डिज़ाइन, बॉटम अप डिज़ाइन मॉडल जो है वो स्टार्ट करता है विद द मोस्ट स्पेसिफिक एंड बेसिक कंपोनेंट्स के साथ. ये प्रोसीड करेगा भाई हायर लेवल ऑफ कंपोनेंट, उस वो लोअर लेवल कंपोनेंट्स था, ये आपके हायर लेवल कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, हायर लेवल बाय यूजिंग बेसिक और लोअर लेवल कंपोनेंट्स. इसको कंपोज करेगा, इट प्रोसीड विद द कंपोजिंग हायर लेवल कंपोनेंट्स को बाय यूजिंग बेसिक और लोअर लेवल. सो दोनों यूज हो सकते हैं लेकिन बॉटम अप तकनीक जो है इसमें वो यूज करेंगे. क्रिएटिंग हायर लेवल कंपोनेंट्स अंटिल डिजायर्ड सिस्टम इज नॉट इवॉल्व्ड एज अ वन सिंगल कंपोनेंट, तब तक उसको तोड़ेगा उस हायर लेवल के अंदर, हायर लेवल को अंटिल क्रिएट करता जाएगा जब तक वो एक सिंगल कंपोनेंट की फॉर्म में आपके पास ना आ जाए. देखिए बॉटम अप में क्या होना है, टॉप अप से क्या होता था, सिंगल क्लास है, मल्टीपल में आ रहे हैं हायरार्की के फॉर्म में. बॉटम अप से क्या हो रहा है, हायर लेवल मतलब नीचे से ऊपर जा रहे, इतने सारे पार्ट हैं आपके पास और आपने तब तक उसको चलाना है जब तक आपके पास एक सिंगल कंपोनेंट अकर ना हो जाए, मतलब मेन कंपोनेंट उसका अकर ना हो जाए.
ठीक है, विद ईच हायर लेवल द अमाउंट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इज इंक्रीज. हाँ जी, इसमें एब्स्ट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज इस सेंस में होती है क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं और नीचे वाले पार्ट से हम ऊपर जा रहे हैं. सो नीचे वाले पार्ट का हमें पता नहीं एक्चुअली ये चीज़ है कि हमें हाउ नाउ होती है इसके बारे में, और उसमें से हम एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को. स्ट्रेटजी इज मोर सूटेबल व्हेन अ सिस्टम नीड टू क्रिएटेड फ्रॉम सम एग्जिस्टिंग सिस्टम. टॉप डाउन में क्या था, उसमें हमें ज़रूरत हमें पता नहीं होता एक्चुअली, ठीक है. इसमें हमें ये पता है कि हमारा सिस्टम एक्चुअली क्या एग्जिस्ट कर रहा है. सो बोथ टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोचेज आर नॉट प्रैक्टिकली इंडिविजुअली, ठीक है. इसको एज अ प्रैक्टिकल नहीं है, हम इसको यूज़ करते हैं, हम एज अ सिनेरियो बना सकते हैं कि क्या हमारा डिज़ाइन का प्रोसेस होना चाहिए. इंस्टेड अ गुड कम्बिनेशन ऑफ बोथ इज़ यूज. सो मेरा ये ख्याल है कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ टॉप डाउन को अलहदा यूज़ करें और बॉटम अप को अलहदा यूज़ करें, दोनों टेक्निक्स को एक साथ यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए मोर सूटेबल है. हाँ जी, बस ये आपको लेक्चर था, होप सो समझ आ गया होगा. अल्लाह हाफिज़.